अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे HCF 36, 48 and 60 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना शुरू करते हैं तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर दो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वन टेबल में आते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हैं। इसमें से भी सबसे स्मॉलेस्ट से हमें स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें सारी ही वैल्यूज 2 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है तो हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे, ये बन चुका है 18। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, 9 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से बिल्कुल 9 डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये हमारे पास आ चुके हैं इसके प्राइम फैक्टर। अब जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू है वो है 48। 48 के भी लास्ट में इवन नंबर है, सही वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे, ये बन चुका है 24। फिर से वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ लास्ट वैल्यू 60 है। 48 को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और इसके प्राइम फैक्टर्स भी हमारे पास आ चुके हैं। अब इसी तरह हमें 60 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। अब हमें 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। 60 के लास्ट में 0 है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जिस वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है, तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे एंड 2 टाइम 0 इज 0। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, जब 1 हमारे पास रिमाइंडर हो चला गया 0 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, ही बन चुका है 15। 15 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अभी 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे और यहाँ 5 को हमें 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 5 को जो है प्राइम नंबर है, 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 60 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, अब हम इसका HCF ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे 36 के, जो कि हमारे पास यहाँ आए हैं 2 × 2 × 3 × 3। उसके बाद हम देखेंगे 48 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास यहाँ आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 एंड 3। लास्ट में हम लिख लेते हैं 60 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 2 × 3 एंड 5। अब हम इसका HCF ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए, ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो कि तीनों में मौजूद हो, जिसका पेयर तीनों में बन रहा हो। ये 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे हमने एक बार लिख लिया, एक और 2 का पेयर बना। हम पेयरिंग सिर्फ उसी प्राइम फैक्टर की कर सकते हैं जो कि तीनों में मौजूद हो, पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये एक हमें 3 का भी पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, 3 तीनों में मौजूद है, इसका भी पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा हमें जो कि तीनों में मौजूद हो, इसके अलावा और कोई हम पेयर नहीं बना सकते। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36, 48 एंड 60 का। तो चलो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12। हमारे पास हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है जो कि 12। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने HCF फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।